press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट द्वितीय लेवल के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कमलेश मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया है। रीट परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर पेपर वायरल होने का मामला सामने आया था, लेकिन किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। जानकारी में आया कि प्रथम पारी का पेपर सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इस बीच कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर सुबह 11 बजे एक पेपर आया। परीक्षा के बाद व्हाट्सएप पर वायरल हुए पेपर के सवालों का मिलान किया गया तो अधिकांश प्रश्नों का मिलान हो गया। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा था कि यह पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले व्हाट्सएप पर आ चुका था। उधर पुलिस का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गौरतलब है कि 11 फरवरी को पूरे राजस्थान में रीट परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकारी शिक्षक बनने के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने दो चरणों में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा के लिए प्रशासन ने नकल और फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने की मंशा से कई जिलों में निर्धारित अवधि तक इंटरनेट सेवाओं के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद भी पेपर वायरल होने के आरोप सामने आए और अब तो रिजल्ट पर भी रोक लग गई है, जबकि प्रदेश में करीब 54,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है।